स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके QR कोड के बारे में। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा गया है बदल जाएगा आपका QR कोड, यानी कि ऐसी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि QR कोड जो अब आप यूज करते हैं उसका पैटर्न अब बदल जाएगा, यानी कि उसके साइज में भी आपकी अंतर अब आ जाएगा। चलिए जानते हैं फिर क्या है आज के सेशन का मुख्य विषय। तो मुख्य विषय आपका टिका हुआ है QR कोड के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर, QR कोड बनाया किसने था। तो अगर हम बात करें QR कोड के बारे में, तो सबसे पहले तो QR कोड की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है QR कोड की, इधर लिख लेते हैं, ये होती है आपकी क्विक रेस्पॉन्स कोड। और ये बना कब था, ये बनाया था आपका मासाहिरो हारा के द्वारा 1994 में। और ये कौन है, ये जापानी वैज्ञानिक, इनको आप कह सकते हैं जापानी वैज्ञानिक या इंजीनियर। इंजीनियर के पद पर ये कंपनी में कार्य कर, चलो इसकी एक थोड़ी कहानी समझ लेते हैं। ये जो आपके है मासाहिरो हारा, तो ये क्या थे, जापानी में एक कंपनी थी, उसमें ये कार्य करते थे इंजीनियर के तौर पर। तो उसमें बार कोड का यूज होता था, पुराने जो स्पेयर पार्ट होते हैं आपके, जो आपने देखा होगा मॉल में जाकर, जैसे कि मॉल में स्कैन किया जाता है वो बार कोड होता है जिसमें उसकी प्रोडक्ट की डिटेल होती थी। तो ये कार की जो आपकी फैक्ट्री होती है जहाँ पर बनाई जाती है, वहाँ पर ये इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे थे। और इन्होंने बार कोड के स्थान पर ही इन्होंने QR कोड का इस्तेमाल किया था या बनाया था। तो इनके बनाने का उद्देश्य लिख लीजिए, QR कोड को बनाने का उद्देश्य अगर हम बात करें इनके उद्देश्य के बारे में, तो ये बार कोड के विकल्प के रूप में ये इन्होंने इसका उद्देश्य रखा था। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक यूज ऑनलाइन पेमेंट के क्षेत्र में हो रहा है। यानी कि बनाया तो ये क्या था, प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करने के लिए बार कोड के स्थान पर, लेकिन इसका वर्तमान में यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम ऑनलाइन पेमेंट में इसका सर्वाधिक यूज करते हैं। जैसा कि गूगल पे, फोन पे या आप भारत पे जितने भी आप यूज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर्म का पेमेंट करने के लिए, वहाँ पर QR कोड आप स्कैन करते हो, तुरंत उसके अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो QR कोड का सर्वाधिक यूज वर्तमान में आपका ऑनलाइन पेमेंट के क्षेत्र में ही देखा जा रहा है। दूसरा, ये बनाया किसके लिए था, यह केवल बार कोड के विकल्प के रूप में बना था, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक बार कोड से भी ज्यादा यूज होने वाला कोई है सिस्टम, तो वो QR कोड है। तो QR कोड को अभी वर्तमान में इन्होंने जो ये आपके मासाहिरो हारा जो है, ये भारत के दौरे पर थे, तो भारत के दौरे पर ये हैदराबाद के एक टेक्निशियल स्कूल में ये अपनी स्पीच दे रहे थे, और उसी स्पीच के दौरान ये अपडेट निकल कर सामने आई है कि अब QR कोड को अपडेट किया जा रहा है, यानी कि अपग्रेड करने का कार्य QR कोड का चल रहा है और बहुत ही जल्द इसका आप नया वर्जन देखेंगे। तो अगर हम बात करें QR कोड के नए वर्जन के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं इसके नए वर्जन के बारे में, तो उस नए वर्जन का नाम होगा MRMQR, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी रेक्टेंगुलर माइक्रो QR कोड, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर ये हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके जो है आपका QR कोड पुराना वर्जन, तो
तो इसके अगर हम साइज की बात करें यानी कि आकार, तो इसका आकार कैसा था? तो इसका आकार था आपका वर्गाकार, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा। और रंग कैसा आता था? ये केवल दो रंगों से बना होता था, एक तो आपका काला, दूसरा इसमें सफेद, केवल दो ही रंग इसमें यूज किए जाते थे। और डाटा की भी अगर हम बात करें, डाटा भी इसमें केवल प्रोडक्ट का डाटा होता था, यानी कि सीमित सीमित था इसका डाटा, सीमित लिख सकते हैं। जैसे कि आपने इसकी फुलफॉर्म भी पढ़ी होगी, रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यू आर कोड। तो ये इसके अगर हम बात करें साइज के बारे में, आकार के बारे में, तो इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो अब ये आपका वर्ग की शेप बना रहेगा, ये आप बन जाएगा आपका आयताकार। अगर हम रंग की बात की जाए, जहां पर इसमें दो रंग यूज किए जाते थे, अब इसको कलरफुल बनाने का प्रोग्राम है, यानी कि अब इसे रंगीन किया जाएगा, रंगीन कलर, यानी कि अनेक रंगों का यहाँ पर यूज होगा। दूसरा, तीसरा, अगर हम इसमें डाटा की बात करें, डाटा का इसमें स्तर बढ़ाया जाएगा, यानी कि अधिक डाटा स्टोर लिख सकते हैं आप, अधिक डाटा स्टोर यहाँ पर किया जाएगा। चलो, डाटा की बात करें, अधिक डाटा स्टोर होगा। दूसरा, इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल जानकारी भी यहाँ पर स्टोर की जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप ये जो क्यू आर कोड है आपका वर्गाकार न रहकर ये आयताकार आपका हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। तो ये तो था आपका क्यूआर के बारे में। तो मुख्य अपडेट क्या निकलती है क्यूआर के बारे में? तो अपडेट निकलती है आपका इसके साइज के बारे में, और दूसरा इसके कलर के बारे में। अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका साइज भी चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं क्यूआर कोड के बारे में, अन्य जानकारी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं क्यूआर कोड के टाइप्स के बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये चार प्रकार का होता है। इसमें जो पहला नाम आता है ये होता है आपका स्टैटिक क्यूआर कोड, दूसरा टाइप इसका यहां पर होता है डायनेमिक क्यूआर कोड, तीसरा यहां पर सिक्योर क्यूआर कोड, और चौथा यहां पर होता है आपका सीरियलाइज्ड क्यूआर कोड। तो ये तो था इसके टाइप्स के बारे में। अब अगर बात की जाए यहां पर ये होता कैसा है, आपने देखा होगा ये इस प्रकार का बना होता है। यहां पर कोने में क्या होते हैं, बॉक्स। इस प्रकार से कुछ इसकी शेप यहां पर होती है। तो सबसे पहले तो ये डबल बॉक्स में होता है, दो वर्गाकार में जो पहली लेयर होती है इसको कहते हैं, पहली लेयर इसको कहा जाता है आपका क्वाइट जोन। दूसरा, ये जो यहाँ पर ये चार बॉक्स होते हैं, इसमें से जो ये पहला बॉक्स होता है और ये दूसरा, ये दोनों ही कहलाते हैं, तीन बॉक्स तो होते हैं इसमें पोजीशन शो करने के लिए, इनको कहा जाता है आपका पोजीशन पैटर्न। तो
ये क्या होता है, ये पोजीशन पैटर्न दिखाती है 1 2 3, लेकिन ये जो चौथा बॉक्स होता है इधर जो बीच में बना होता है कोने में लगा कर, ये दिखाता है आपका अलाइनमेंट, यानी कि यहाँ पर इसकी व्यवस्था व्यवस्था जो करता है ये चौथा बॉक्स करता है, अलाइनमेंट अलाइनमेंट पैटर्न। ये जो बीच में खाली स्थान है व्हाइट का जिसमें कोई भी आपका ये नहीं दिया हुआ है, ये होता है व्हाइट खाली स्थान। और ये क्या करता है, ये करता है आपका यहाँ पर डाटा एंड एरर, करेक्शन की। तो जितनी भी डाटा एंड एरर जो किया जाता है वो इसका व्हाइट वाले जो व्हाइट कलर होता है व्हाइट कलर वाले क्षेत्र में वो किया जाता है आपका डाटा एंड एरर। दूसरा आपका यहाँ पर और क्या रहेगा, ठीक ये रहेगा, ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ये जिनको मैं भर भी देता हूँ, ये इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 4 और 4 8, और ये कहलाता है आपका टाइम पैटर्न। ये होता है आपका टाइम पैटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार क्यूआर कोड की बनावट होती है, इसमें हमने आपको बता दिया। अगर बात की जाए इंडिया में अब क्यूआर कोड के नाम पर, क्यूआर कोड जो इंडिया में यूज हो रहा है उसका नाम क्या है, अगर बात करें इंडिया के क्यूआर कोड के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा भारत पे, मतलब भारत पे नहीं, इसका कुछ ऐसा नाम भारत क्यूआर कोड, भारत क्यूआर। तो इंडिया में जो यूज हो रहा है वो भी लिख लीजिए, पूछ सकता है, इंडिया में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका भारत, भारत क्यूआर। और ये बनाया किसने है या इसको किसने विकसित किया है, विकसित ये विकसित किया है आपका NCPI, यानी कि नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया। कब किया है ये आपका 20 फरवरी 2017। तो ये सारी जानकारी थी। अब क्यूआर कोड आपका वर्गाकार न रहकर, एक वर्गाकार न रहकर आपका बन जाएगा आयताकार, अगर आप NPCI, यहाँ पर ये गलती लिखते हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा आपका NPCI। इधर तो चलो इसके फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें ये हो जाएगा आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ये विकसित किया है। चलिए ठीक है, फिर सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक और नई घटना के साथ। आपकी जो समय समय घटना है, जैसे ही कल कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई घटना बनती है तो कल उस पर क्लास लगाते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम ही। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक यू।